नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे एडुटेनर में। मैं शुरू से आपसे बात करते आ रहा हूं कि अगर आप और हम भारत से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सतत प्रयास करने होंगे। सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, ये आपको और हमें अब समझना होगा। इसी कड़ी में कि हम किस तरह भारत से बेरोजगारी दूर करेंगे, इसी कड़ी के अंदर मैं आज से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है मीट विद दोस पीपल जिन्होंने अपने क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में इस तरह की तरक्की की है जहाँ पर वह आज सर्वे सर्वा है। इसी कड़ी में आज अपने पहली कड़ी के अंदर या इस सीरीज के पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करूंगा प्रकाश मिश्रा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आप आए हमारे साथ। मुझे बहुत खुशी है और सीरियसली मैं चाहूंगा कि आज हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप मोटिवेट करें जिसके आधार पर वो अपना करियर एक ऐसे डायरेक्शन लेके जा पाए जहाँ वो सिर्फ सरकारी नौकरी सोचते हैं, पर नहीं, बहुत सारी और करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं उसके बारे में। अपोगे का दोस्तों हमेशा मिशन रहा है कि हम भारत से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, पर ये कैसे मैनेज होगा, ये कैसे होगा, ये हम आने वाली बहुत सारी कड़ियों में आपको बताएंगे भी और ऐसे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत सारे मदद देंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रकाश जी। पर आप भी वो कर सकते हैं। वो कैसे? प्रकाश मिश्रा जी आज अपने मूल मंत्र देंगे सफल होने के लिए। कैसे देंगे? हमने इनको इंट्रोड्यूस कर ही दिया आपको, अभी आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। तो मैं शुरू करता हूं आज का अपना शो जिसमें मैं बात करूंगा प्रकाश मिश्रा जी से उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और आपके लिए सक्सेस मंत्र जो प्रकाश जी देंगे। प्रकाश जी, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, युवाओं में जो एक समस्या है, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, आपने अपना करियर कैसे शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल भूपेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में, और इस शो के पहले शो में मैं पार्ट बना आपका, और देखा जाए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करता हूँ, आप बच्चों को जिस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं उनको, यानी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे भी आपके वीडियो ज्यादा आते हैं और रात में 10 बजे भी आ जाते हैं। तो जी, बच्चों को प्यार है इसलिए इसे कुछ कर पाता हूँ, आप जैसे लोगों का दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। और देखा जाए तो यानी आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है हमारे भारतवर्ष को, जहाँ पे बच्चों को एक सही गाइडेंस दिया जाए, सही रास्ता दिया जाए, और हाँ कुछ समय के बाद वाकई में कुछ अच्छा करने के लिए अगर किया जाए तो वो दिल से जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसे अपना करियर शुरू किया जी, क्योंकि आपने जो इतना बड़ा जो साम्राज्य बनाया है, इतनी बिलियंस की आपने कंपनी बनाई है, वो कैसे आपने किया? देखिए सर, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। 2011 में मैं जयपुर आया और जयपुर मैं भी अपने कैरियर के खोज में जयपुर आया हुआ था, सोचा कुछ करता हूँ, कुछ करना चाहिए, कैसे मेहनत करूँ, क्या करूँ, अपने पास ऑप्शन नहीं थे बहुत सारे। वैसे मैं भाई प्रोफेशनली बताऊँ तो मैं मैथ्स से एमएससी हूँ। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। और डिजिटल मार्केटिंग मेरा पैशन था और उस पैशन को मैंने 2011 से प्रारंभ किया, धीरे 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 दिन प्रतिदिन, क्योंकि मार्केटिंग कहते हैं कि अपने जब बून में आ जाती है, अपने रग में आ जाती है, तो अपनी रवानगी पे आने में समय नहीं लगता, धीरे धीरे समय के अनुसार करते करते। और हमने कई सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज किए, मार्केटिंग कोर्सेज किए, इंडिपेंडेंट कोर्सेज किए, ट्रेनिंग्स ली, देखा जाए तो इंडिया में भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड करी, और धीरे धीरे करते एक समय हुआ जब हमें लगा कि आज
यानी भारतवर्ष में डिजिटल की क्रांति धीरे धीरे फैल रही है और हर आदमी को कहीं ना कहीं डिजिटली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। 2012 से लेकर अब तक अराउंड 8-9 साल का हमारा एक्सपीरियंस और मार्केटिंग में ओवरऑल देखा जाए तो 2011 से पहले जब मैं आया था तो उस समय भी मार्केटिंग ही मैं कर रहा था। बहुत बढ़िया। और जब हमारी करियर की प्रारंभ यहाँ पे आया था तो मार्केटिंग की जॉब करने के लिए, मार्केटिंग का कुछ मिल जाए, कुछ मार्केटिंग में हम कर सकें, सेल्स में कर सकें। बहुत बढ़िया। आज भारतवर्ष में काफ़ी सारे ब्रांड हैं, इंटरनेशनली काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक अच्छी खासी टीम है जिसको हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए। साथ में हम लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मेंटरिंग भी दे रहे हैं, बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कैसे बनाएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट हमारी एक वन ऑफ दी सीरीज़ है जिसमें मैं बच्चों से बात करता हूँ कि वो क्या करियर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे टच में रहेंगे और वो अपना करियर को आगे बढ़ा पाएंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है ना, अगर मैं बात करूँ युवाओं में जो बेरोजगारी की समस्या है, देखो अभी लिंक करता हूँ मैं अपने इसी कॉन्सेप्ट से, युवाओं में एक बेरोजगारी की समस्या है, क्या उनको करना चाहिए ताकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट लोग बने, सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, भागे भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि होता क्या है आरपीएससी देगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि सरकारी नौकरी महत्वपूर्ण है, पर युवाओं में ये बेरोजगार की समस्या दूर करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, आपके क्या सजेशन है? तो देखिए मेरी सजेशन ये है कि आज युवाओं में ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या अगर देखा जाए दशकों से है। आज तो बेरोजगारी का जो यानी औसत है ना वो थोड़ा ज्यादा है जरूर, लेकिन हाँ साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, सेल्फ अपना बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अपना स्वरोज यानी खुद के रोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो आज के समय में यानी जहां तक मेरा मानना है, डिजिटली हो चाहे सोशली हो, आप भी तो सोशली अपना बिजनेस खड़ा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने भी तो बहुत सारे स्ट्रगल यानी कई सारे वीडियोस में हमने आपकी स्टोरीज देखी है, बहुत सारे आपने भी तो स्ट्रगल किए हैं, उस समय भी आपके पास भी जॉब रहे और जॉब के इश्यूज हुए, चैलेंजेस रहे। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी बात है, बेरोजगारी तो हमारे ब्रेन में है कि रोजगार नहीं है, आज काम करने के अवसर बहुत ज्यादा है, इंसान काम अगर करना चाहे तो यानी बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। बिल्कुल एन नंबर ऑफ ऑप्शन, वो सोशल मीडिया के थ्रू, वो डिजिटली, इवन कि अगर वो सरकारी नौकरी की भी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है और वहां पे भी अगर वो चाहता है तो वो कहीं ना कहीं यानी एक लेवल पे अगर चाहे तो इजीली अपने को तैयार कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यही हमेशा आपसे बात करता हूँ कि देखो हमेशा सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे कॉरपोरेट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए लगातार बने रहना चैनल पे, बहुत सारी चीज़ें ट्रिक और ट्रिक सिखाऊंगा मैं, नो डाउट। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझे से, खुद आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स स्ट्रगल, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सर आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस तो आएंगे पर आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें क्या चैलेंजेस आए और आपने उसको किस तरह ओवरकम किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सर, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2011 का, जब हमारा करियर यानी एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योर हमारा जो करियर 2011 का था, उस समय बहुत सारे चैलेंजेस हुआ करते थे। चैलेंजेस इन द सेंस कि उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता था, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, उनके साथ हमें कंटेंट के साथ करना है, मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, तो उन देखा जाए तो हम लोग दिन रात लग के लर्निंग्स पे डेवलप किए। मेन अगर कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स, आपने क्या सीखा, क्या किया और क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। बिल्कुल इट्स ऑल अबाउट, देखो समस्या सबके साथ आएंगी, फंड्स की भी प्रॉब्लम होगी, एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम होगी, पर देखो जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम का क्राइटेरिया होता है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होता है उसमें उसका सिलेक्शन सबसे पहले किया था एज पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, इसलिए वो आज नंबर वन है। अगर आप बात करें महिला वर्ल्ड कप की, तो आपको बता दूं महिला वर्ल्ड कप में जिस हिली ने सबसे अच्छा अर्धशतक लगाया वो एक ड्रॉप आउट प्लेयर थी, और आज हम सब जानते हैं कि भारत को उन्होंने बुरी तरह पछाड़ दिया था महिला वर्ल्ड कप में, ये तो रिसेंट ही है भाई। तो समस्या आएंगी पर उसका सामना करो, सामना करने का सामर्थ्य है तो कोई भी समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना, अगर मैं बात करूँ सक्सेस मंत्रा, हर एक लाइफ का एक सक्सेस मंत्रा, जिसमें मैं मानता हूँ कि मेरा सक्सेस मंत्रा ये है कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग,
आज नहीं तो कल सफल होगी, कल नहीं परसों। आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? तो देखिए सर, हमारा सक्सेस मंत्रा, यानी हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करते हैं। यानी आज हमारा सामने, यानी कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी कस्टमर है, कोई भी ऑडियंस है, या कोई भी सपोज स्टूडेंट है, तो हम उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे काम करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो ये पर्पस क्यों कर रहा है। अगर कोई हमारा बिजनेसमैन क्लाइंट है तो हम प्रयास ये करते हैं इनका गोल क्या है, इस गोल को अचीव करने के रास्ते क्या है। अगर हमारा स्टूडेंट है तो हम फोकस ये करते हैं कि इस स्टूडेंट को अगर वो जॉब ओरिएंटेड है तो वो जॉब के लिए कैसे जाए। आज देखा जाए तो बीटेक, एमटेक, एमबीए किए हुए बहुत सारे एन नंबर ऑफ बच्चे आज जॉबलेस है। ट्रू, वन ऑफ द फैक्ट। आज वो अपने, यानी जो बच्चा एजुकेशन के लिए लोन ले रहा है वो रीपेमेंट तक नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहा है। आज पेरेंट्स हो, यानी कई सारे किसानों के बच्चे भी हैं, देखा जाए वो बीटेक कर रहे हैं और बीटेक करने के बाद उनके पास जॉब नहीं है, वो किसी यानी कंपनी में जाके एक देखा जाए तो थर्ड लेवल का काम कर रहे हैं, मतलब लाइक एग्जीक्यूटिव लेवल का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कैरियर को बना रहे हैं। इवन कि बहुत सारे अगर कहा जाए पीएचडी किया हुआ प्योन, जो बेरोजगारी की बात आपने कहा पहले, तो वो क्या है, वो माइंडसेट बन रखा है लोग, यानी नौकरी 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 ही सब कुछ समझ करते हैं। इवन की देखा जाए सरकारी नौकरी की भी बात करें तो अलग ही, आपका चैनल सरकारी नौकरी के लिए है, यहाँ बोलना थोड़ा सा डिबेट होगा, लेकिन मैं तो अल्टीमेटली बेरोजगारी दूर करने की बात करता हूं, चाहे सरकारी से मिले चाहे प्राइवेट से मिले। तो देखा जाए तो लोगों के माइंडसेट में बन रखा है कि यार सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आपकी शिद्दत क्या है, आप किस चीज को पाना चाहते हो और किसके लिए दिन रात भाग रहे हो। आप अगर अपने गोल को फोकस करना चाहते हो, जैसे आप अगर प्रोफेशन में हो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो अपने बिजनेस में अपने कस्टमर की हेल्प के लिए नीड करो, या सामने वाले की गोल को कैसे अचीव कराओ, उसको जो चाहिए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो या उसका गोल अचीव कराओ। दो ही फंडामेंटल होते हैं सक्सेस मंत्रा के। बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छी बुक मैंने अभी रीड करी थी, दैट इज व्हाट गिव एंड टेक। जी, गिव एंड टेक का एक मैं पूरी की समराइज बात करूँ तो ये है कि अगर आपने सामने वाले की जरूरत के हिसाब से कोई कार्य कर दिया तो ऑब्वियसली उसका रिफंड आपको आना है, चाहे आ जाए चाहे वो कल आए, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर आएगा। जी, तो यही आपका अल्टीमेटली सक्सेस मंत्र है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड आप सॉल्यूशन देते हैं जिसके आधार पे स्टूडेंट को, बिजनेसमैन को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच सर। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क, आपके लिए आपका जो ऑरा है जिसमें आप बहुत बड़े वर्तमान में एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप समाज और स्टूडेंट्स के लिए आगे क्या करने का प्लान कर रहे हैं? देखा जाए सर, मेरा प्लान ये है कि आज हम 2020 के दशक में जी रहे हैं, और जहां पर सुबह की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत अगर हमारे फोन पे दो चार मैसेजेस से नहीं होता है, और हर घंटे मिनट सेकंड पे कहीं ना कहीं देखा जाए एक एडिक्शन सा लगा हुआ है, और हर इंसान कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट होता जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हूँ, और मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में खुद का कैरियर बनाए, खुद को एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर क्रिएट करें, उनके लिए सोशल मीडिया किस तरीके से हेल्प कर सकती है, जिसको हम लोग एजुकेट और एम्पावर कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, और जो अदर अदर बहुत सारी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। जहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ हम लोग उन बच्चों को तैयार करते हैं कि आप खुद के पैरों पे कैसे खड़े हो। आपने का एक कोर्स भी है, जैसे मैं जानता हूं, तो प्लीज थोड़ा बताएं अपने स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट्स को। अब मेरा एक कोर्स है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का, और जहाँ पे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो जिसके लिए हमारा कोर्स है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, जिसमें हम लोग डेटा ड्रिवन के बारे में, ROI driven के बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि अगर कोई बंदा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कर रहा है तो उनके, क्योंकि अब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अच्छी है बच्चों की, तो जहाँ पे डेटा ड्रिवन मार्केटिंग का हमारा बहुत अच्छा कोर्स है जो मैथ्स के बच्चों के लिए है। अगर MBA प्रोफेशनल है तो उसके लिए हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स डेवलप किया है। अगर बच्चा MA का, BA का, या राइटिंग स्किल का बहुत अच्छा बच्चा है तो जिसके लिए हम लोगों ने क्रिएटिव और कंटेंट मार्केटिंग के कोर्सेज डेवलप किए। अगर बच्चा यानी फार्मा का है, यानी फार्मा में वो उसका करियर है और वो चाहता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग में हम अपना करियर कैसे बनाएं, तो उनके लिए हम लोगों ने कोर्स तैयार किया, दैट इज कॉल्ड सुपर ड्रग।
Very nice. जहाँ पे वो यानी उन प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केटिंग करता है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन करता है या चीजों को तैयार करता है जो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा मान के चलिए कि बीबीए का है, एमबीए का है, जर्नलिज्म का है, तो जिसके लिए हम लोगों ने जर्नलिज्म के बहुत सारे मीडिया प्रियार के कोर्सेज तैयार किए हैं, जहाँ पे वो यानी हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल पीआर पे वो कैसे काम कर सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग वर्टिकल के हिसाब से हम लोगों ने कोर्स किया है कि जैसे बंदा एमबीए किया, एमकॉम किया, अब बीटेक किया, बीटेक करने के बाद वो डिजिटल आ रहा है, तो बीटेक वाले बच्चों के लिए भी हम लोगों ने यानी एआई, चैटबॉट्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डेवलप किए हैं, जैसे कि उनके टेक्निकल स्किल को उनके कैरियर के साथ जोड़ा जा सके। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कोई इम्पोर्टेंट लाइन जो आप स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहेंगे कि दे शुड डू इन देयर लाइफ, व्हाट दे प्रेफर टू आस्क, मतलब गो विद दैट। देखिए, अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, गोल ओरिएंटेड हो, तो सबसे पहले फोकस ऑन योर गोल। ट्रू। अगर आप अपने गोल को जब फोकस करोगे तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। रीजन क्या है कि आज आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई यानी फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस यानी उसको एक कंपैशन में अपने डेवलप करो और अपने गोल को फोकस करो। और यानी अगर आपका देखा जाए, एक छोटी सी स्टोरी है कपिल शर्मा की, और कपिल शर्मा के बारे में तो सबको पता है, कपिल शर्मा आज कॉमेडियन है, फेमस है, लेकिन कपिल शर्मा का कॉमेडी पैशन नहीं था। प्रोफेशनल सिंगर, वो बहुत अच्छा सिंग कर सकते हैं, कभी कभी उनकी फिल्म दिखती है वहां पे, कई सारे उसमें, लेकिन आज उन्होंने क्या किया, आज एक एज अ कॉमेडियन के रूप में पूरे भारतवर्ष में जाने जा रहे हैं। ट्रू। और जहाँ पे यानी देखा जाए तो धीरे धीरे उनके सिंगिंग के भी जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो बेस्ट ये है कि आज आप जो कर रहे हैं उसमें अपना कंपैशन डेवलप कीजिए, अपने गोल को फोकस कीजिए, और प्रतिदिन एक संतोष नायर साहब का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कई सारे वीडियोज में हमने देखा है, संतोष नायर जी भी बहुत अच्छे ट्रेनर है, उन्होंने कहा प्रतिदिन अपने को 1% एक्सेल करो। अगर आप प्रतिदिन 1% एक्सेल करते हैं तो एक साल बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आपको रिटर्न मिलेगा। ट्रू। तो हर स्टूडेंट को, हर व्यूअर को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, प्रतिदिन 1%, ज्यादा नहीं, अपने को 1% एक्सेल कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, आई होप, और आपकी सक्सेस आपके साथ होगी। कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसा कुछ नहीं किए कि जो रातों रात, यानी आधा दिन का चिराग कुछ भी नहीं है कि रातों रात आप सुपरस्टार बन सकते हैं। ट्रू। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, दैट्स वंडरफुल, आई होप दैट यू लर्न इट लाइक एनीथिंग, एंड मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा कि आप प्रयास जारी करते रहें, और एक बात और, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और आपको किस सेलिब्रिटी को हमें बुलाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी और किस व्यक्ति को हमें आगे बुलाना है, ताकि आपके माइंडसेट में हम बदलाव ला पाए और भारत को बेरोजगारी मुक्त कर पाए। लगातार बने रहिएगा अपोगे एडुटेनर पर। धन्यवाद।